नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और हमारी नई गेमिंग सीरीज क्रिकेट 19 में कुछ दिनों के गैप के बाद फाइनली आई गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टीमें यहां पर 16 टीमों का मैच है, एक लंबा टूर्नामेंट है। लेकिन इस टूर्नामेंट की जो खासियत है वो ये है कि इसका गेम प्ले फॉर्मेट एकदम अलग है। दूसरी बात, गेम प्ले फॉर्मेट के अलावा जो टीम सिलेक्शन है वो भी बहुत ही खास हो जाता है। पिछले साल 2019 खत्म होने आ चुका है। 2019 में जो जो टीमें फाइनल में पहुंची थी, सेमीफाइनल में पहुंची थी, उन टीमों को जगह मिली है। सिर्फ एक थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मेलबोर्न यहां पर ऐड हुई है। मेलबोर्न रेनिगेट्स करके एक टीम है, वो ऐड नहीं हुई। उसकी जगह मैंने सिडनी सिक्सर्स को ऐड किया है, क्योंकि मैं जब ऐड कर रहा था तो शायद दोनों टीमों का नाम एक जैसा है, मेलबोर्न, इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो वो टीम ऐड नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सिडनी सिक्सर्स को मौका दिया है। बाकी सारी टीमें यही है, ढाका, कोमिला वॉरियर्स, ट्राइडेंट्स, अमेजॉन वॉरियर्स, क्वेटा, पेशावर, सनराइजर्स, इंडियन प्रीमियर लीग, इंग्लैंड नेटवर्क, अपनी T20 कप जो इंग्लैंड में होता है, बिग बैश लीग, उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग की सारी टीमें हैं। और इसीलिए इस टूर्नामेंट का नाम जो है वो है यूनिवर्सल चैंपियन, क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियन। एक ऐसी टीमों के बीच जो हर जगह अपनी टीमों में, अपने टूर्नामेंट फॉर्मेट में आगे रही हैं। आज के दिन वेस्ट इंडीज वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच होने वाला है ये मैच, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर बार लेफ्ट टीम बनने वाला हूँ इस बार भी, और मैं पहले ही बता दूं सब कुछ रैंडम आया है भाई। मुझे पता नहीं है किस तरह से ये टीमें बन के आई हैं, जो आई हैं जैसी आई हैं मैंने शुरू कर दिया। बात करें तो सुपर वन एस है, मतलब कि एक एक करके सिर्फ जो टॉप का बैट्समैन होगा वो खेलेगा, खाली एक विकेट जैसे गिरेगी टीम ऑल आउट। और टेस्ट मैच जैसा होगा ये फॉर्मेट। कुछ चीजें मुझे भी नहीं मालूम है, वो धीरे धीरे पता लगेंगी, लेकिन हाल फिलहाल वेस्ट इंडीज और सिडनी सिक्सर्स के बीच सुपर वन एस, पहला मैच हमारा लीग का, टीम आपके सामने, लेकिन ओपनर्स बैट्समैन ही काम के, बाकी सब बेकार हैं। यहाँ टॉस यहाँ पे होने वाला है, जीता है सिडनी सिक्सर्स ने टॉस, उनके ऊपर है क्या करना है। सुपर वन ऐसा तो मैं इतना श्योर भी नहीं हूँ किस तरह से खेलना है, मुश्किल होने वाला है मैच मेरे लिए, खास करके शुरू में जो टीमें मैं बनूंगा वो नुकसान में रहेंगी। तो हमारी चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मैं पहले ही बल्लेबाजों के साथ खेल सकता हूं, पहले मैं बता दूं। शुरुआत हुई है जबरदस्त तरीके से, लेकिन ये क्या क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया, आउट हो गए जीरो पे। अरे बाप रे, क्या खराब शुरुआत हुई है हमारे लिए इस मैच टूर्नामेंट की। एक्चुअली मुझे लगा सिक्स है, कुछ अजीब सा हुआ भी, देखिए नहीं, लेकिन इसे कैच कर लिया है। अब क्या होगा, इसमें दूसरी टीम बैटिंग करने आएगी, मैं उनको आउट करूंगा मैं सुपर वन एस में, और जितने रन वो बनाएगी वो मेरे पे लीड रहेगा। और मैंने पहले ही कहा था कि भाई मैं जो टीम बनूंगा पहले शुरू के मैच में वो नुकसान में रहेगी। सिडनी सिक्सर्स यहाँ बैटिंग के लिए आती हुई, डिफिकल्टी दिखाना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हैं आप लोग, हार्डेस्ट बैटिंग, हार्डेस्ट बॉलिंग है, इससे मुश्किल चीजें नहीं होती। और अब हम बॉलिंग करने वाले हैं, यहाँ पे लीड चढ़ेगी, पहले ही मैं बता दूं, यहाँ पे पहली गेंद, पूरा टेस्ट मैच फॉर्मेट है, विकेट नहीं गिरेगा तब तक ये इनिंग चलती रहेगी बैटिंग की। और यहाँ पर इनसाइड है, वाह, दोनों टीमें जीरो पे आउट हुई है पहले मैच में, क्या शुरुआत हुई है। बॉल देखिए कितना जबरदस्त साइनिंग कर रहा है यार, मजा आ गया। 0-0 दोनों टीमें आउट, अभी आखिरी इनिंग शुरू होगी इस मैच की, जो टीम यहाँ से जीतेगी वो कप ले जाए, पहला मैच विनिंग कहलाएगी। अगर मैं 10 रन मारता हूँ तो 11 रन विनिंग टोटल होगा सिडनी के लिए। थोड़ा सब्र से खेलने वाले हैं हम लोग, सब्र के साथ ही खेलेंगे। लुइस यहाँ पे आते हुए, स्टीफन ओकनेस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का, और मिस किया है यहाँ पे सिंगल के साथ, हमारा पहला रन लीग का बनता हुआ। गिरेगी पहली विकेट, पहली विकेट गिरते ही यहाँ पे इनिंग पूरी हो जाएगी। यहाँ पे एज लगी थी, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अजीब तरीके से कैच, 3 रन बनाए, 3 रनों का टाइट टोटल होगा अगर यहाँ पे। हाय 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 हाय, खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं फिर से, यहाँ पर एक बार बढ़िया फॉर्मेट है, और मेरे ख्याल से बहुत ही मजेदार गेम फॉर्मेट है, एक बार फिर बीट कराए यहाँ पे। तो मैं 10 में से 10 पॉइंट दूंगा इस फील्डिंग सेटअप को मैं, और गलती मैं कर सोच ही रहा था यार।
गंदी गलती, इससे पहले भी बचा था एक बार। तो 3 रनों का टारगेट है, यहाँ 4 को चेस करना होगा, 4 रन करेगी वेस्टइंडीज जीत जाएगी ये मैच। जो डेनली जी फिलिप यहाँ पे आएंगे शुरुआत करेंगे। सेल्डन कॉपर अगर आप देखोगे तो 0 पे आउट हुआ है यहाँ पे सिडनी एक बार, उम्मीद है यहाँ पर। 9 तेज गेंद सिडनी और एक बॉल दूर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकेट लेनी होगी, लेकिन विकेट लेना बहुत जरूरी। यहाँ पर पैरों पे जाके लगी गेंद, लेकिन रन चुराने की कोशिश है यहाँ पर, कीपर के हाथों में बहुत देर लगी है। एक रन चुरा लिया, अब 2 रन दूर है सिक्स और 2 रन करते ही जीत जाएगी मैच। एज लगा है, प्लेयर मर जाएगा लेकिन नहीं रोक पाया है, कोशिश तो बहुत की लेकिन एज लग के इस मैच में हमें विनर मिला है। सिडनी सिक्सर्स ने 1 विकेट के साथ मैच जीता है और इस समय 16 नंबर की टीम थी सिडनी, वो डायरेक्ट नंबर 1 की हो गई है। ये रहा स्कोर कार्ड, दोनों टीमें 0-0 पे आउट हुई, 3 रन बनाए वेस्टइंडीज ने, उसके बाद चौका लगा के एज के थ्रू सिडनी सिक्सर्स ने 1 विकेट से मैच जीता है और विकेट तो एक ही रहेगी। बढ़ेंगे हम दूसरे मैच की तरफ आज के दिन ही। यहाँ पर हमारा दूसरा मैच है इंडिया वर्सेस मेलबर्न का, नंबर 3 नंबर 16 की टीम है। रैंकिंग आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे सिक्सर्स, नंबर 2 पे वेस्ट इंडीज है, टॉप 4 की टीमें ही पहुंचेगी। मुश्किल है थोड़ा यहाँ पे टॉप 4 में बनना, लेकिन टीमें सभी कोशिश करने वाली है। इंडिया बनाम बीबीएल का यहाँ पर टीम है मेलबर्न स्टार्स। इस नए फॉर्मेट में अभी भी दोनों टीमें नई है, मैं भी नया हूँ, इंडिया के साथ खेल रहा हूँ, माइनस में रहेगी इंडिया इस वक्त। टॉस के लिए ग्लेन मैक्सवेल, नाम से पहचान गए, चेहरे से भी पहचान गए हम लोग, विराट कोहली और मैक्सवेल यहाँ पे टॉस के लिए आते हुए। आईपीएल में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों, आईपीएल में बड़े अच्छे दोस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के सामने इंडिया ने जीता है टॉस। हम लोग पहले बॉलिंग करना चाहेंगे ताकि चेस करते समय पता लगे कि क्या हाल है। साइड चेंज करके इस बार बहुत बढ़िया बीट कराया है यहाँ पे, रखने वाले इस बार बहुत ही बढ़िया, लगातार 2 गेंदे बीट, एज लग जाए आउट हो जाए यहाँ पर, लेकिन नहीं, मैडन ओवर रखा है यहाँ पे। पहली गेंद यहाँ पर इंडिया के बुमराह की, कैच के लिए कॉल है लेकिन बाउंड्री निकाल ली है यहाँ पे, आउटफील्ड ठीक ठाक ही है, 4 रन चला गया है। चेंज किया है, स्लो रखी है थोड़ी सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट गया है यहाँ पे। ओवर थ्रो यहाँ पे गलत बात है, चाहे कुछ हो ना हो ये गेंदबाज विकेट लेगा और वही हुआ है यहाँ पर, विकेट निकाला है यहाँ पर भुवनेश्वर ने। और अब पहला इनिंग का टोटल हमें मिल चुका है, कितने रन करने हैं इंडिया को पहली इनिंग में, फिर उसके बाद लीड चढ़ानी होगी। डीआरएस का कोई मतलब ही नहीं है, बड़ी बेवकूफी यहाँ पे मैं कहूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे हमारे वीडियो का, आप लोगों का, हमारा, मेरा खुद का और सारे लोगों का। एज लगा है साफ साफ, मैं जैसे ही दिखेगा स्किप करूंगा आगे का हिस्सा। इनसाइड एज लगा था गेंद पर, स्कोर देखे अगर 5 पे 5, 8 गेंदों में 1 रन पैंटंग और भुवनेश्वर ने आउट किया है। केएल राहुल, रोहित शर्मा नहीं है, शिखर धवन के साथ डेल स्टेन, और बाप रे ये चीज तो आउट ऑफ मेरे माइंड, मैच खराब रहे। बड़ा शॉट, प्लेयर मौजूद नहीं है लेकिन 2 रन ही लेने दिया है, तो गलत जगह फेंकी है। 3 रन अभी भी लीड, कंटिन्यू अगर करते हैं तो मजा आ जाएगा। हाल फिलहाल बीट होते हुए मुश्किल में दिख रहे हैं, कुछ तो चीजें अभी मुझे पता है नहीं, तो धीरे धीरे पता लगेंगी इस गेम फॉर्मेट के बारे में, तो कुछ भरोसा है नहीं। एज लगा है, एज लगा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं यहाँ पर, ना बॉलर का ना कीपर का, काफी आश्चर्य हुआ है मुझे क्यों नहीं हुआ ऐसा। यहाँ पे खतरे में मैं डीआरएस लूंगा, लेकिन मैं डीआरएस लूंगा, जब ये लोग ले सकते हैं, एक विकेट है हमारे पास, एक डीआरएस है, तो भाई क्यों ना लूं, मैं जरूर लूं। अरे 3 रिमेनिंग, किस लिए 3 रिमेनिंग भाई, इस गेम में गेंद बहुत जबरदस्त है, देखिए काफी पीछे गिरी है गेंद लेकिन सीधा निकली है और आउट हो गए। विकेट गंवाते हुए यहाँ पे इंडिया, और पहली इनिंग पूरी हुई है, सुपर वन एस की मैच नंबर 2 है यहाँ पे राउंड 1 का। आउट का इशारा किया है, जाना होगा यहाँ पे, लीड
बहुत बड़ी कहलाएगी जिस तरह का फॉर्म है। 25 की लीड है, विकेट निकाला यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल स्टेन ने। और अब आएंगे मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे सेकंड, तेज गेंदबाजी करेंगे, एक इनिंग से हराना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत कुछ अलग ही की है, बाउंड्री के साथ शुरुआत यहाँ पर। पहली गेंद बाउंड्री, दूसरी गेंद पर भी, ये देखिए अलग ही माहौल यहाँ पे गेम का। सेकंड इनिंग आते ही अलग सोगे बुमराह यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी करनी है। तीसरी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री के करीब पहुंच ही गई है, आर पार हो गई है। समझा रहे हैं कोहली कि यार आपने पिछली बार की थी उसी माइंडसेट से करो, कोई चिंता मत करो। तेज गेंदबाजी, क्रॉस सीम, चौथी बाउंड्री, भुवनेश्वर कुमार खामोश यहाँ पे। पहली इनिंग में जबरदस्त खुशी मनाई, मुझे लग रहा है इस गेंद पर भी बाउंड्री मार सकते हैं ये, लेकिन नहीं, बुमराह भुवनेश्वर ने गुस्से में काफी खेलना पड़ेगा कि भुवनेश्वर तो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन नहीं, अरे बाप रे, लीड चट, दोनों टीमों का फॉर्म बदल चुका है यहाँ पे। सिक्स के लिए कोशिश की, अरे बाप रे, जो मैच वन साइडेड लग रहा था अब लग रहा है और ज्यादा पीटा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है अपील करेंगे हम लोग यहाँ पे जरूर। तीन डीआरएस हैं पर कोई बात नहीं, कोशिश की है, इस फॉर्म में है बल्लेबाज, मुश्किल होने वाला है यहाँ पर हर एक चीज। बाउंड्री 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 लगा, रास्ता लग नहीं रहा है यहाँ पे बाउंसर के अलावा, एज लगी है, अरे बाप रे, फिर से एक बार कोशिश की, अच्छी गेंद की, स्ट्रेट शॉट, हर तरफ पिटाई हुई है, तो बुमराह तो और फ्लॉप हो गए। ये इंडिविजुअल टीम का हाईएस्ट स्कोर है 39। और एक और गेंद बीट कराया, लेग में डाली थी, चार रन बटोर रहे हैं, सात गेंदे 22 रन 24 के, और इनको रोकना नामुमकिन लग रहा है। यॉर्कर की मदद ली है, स्ट्रेट शॉट, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, बचाए हैं चार रन, लेकिन बैट्समैन यहाँ पे बदले हैं। गलत गेंद, गलत गेंद, क्यों गेंदबाजी लेग साइड हो रही है समझ नहीं पा रहा मैं, कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है मेरे को गेंदबाज का। पहली 50 की पार्टनरशिप बनती हुई हमारी टूर्नामेंट की, तीन गेंदों में दो रन दिया है, चौथी गेंद बहुत बढ़िया फील्डिंग, उम्मीद खो दी थी मैंने, सीरियसली कह रहा हूँ, उम्मीद खो दी थी, बहुत बढ़िया फील्डिंग। हम लोग किसी तरह से एज लग जाए, अभी अभी आउट हुए थे हमने, पिछली बार आउट किया था जल्दी, लेकिन यहाँ पर अलग ही फॉर्म में दिख रहे हैं दोनों खिलाड़ी। दो ओवर 31 रन, और गेंदबाजी ऑफ साइड में क्यों नहीं कर पा रहे, ये मेरे समझ में नहीं आ रही है बात। बाउंड्री लगती हुई, एक और, एक बड़ा टारगेट मिल चुका है इस समय, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, इंडिया कैसे जीतेगी ये मैच। बाउंड्री पे बाउंड्री, यही हाल है मैच का आज, बाउंड्री पे बाउंड्री, एक और बाउंड्री, सोचा था कि यार, हौसला बढ़ाने की कोशिश लगातार जा रही है, बुमराह भुवनेश्वर बाउंड्री पे बाउंड्री खा रहे हैं यहाँ पे, देखना होगा फिर से एज और बाउंड्री, देखते ही देखते 22 गेंदे 53 रन हो चुके हैं यहाँ पर मार्कस स्टॉइनिस के, कैसे किए ये रन इन्होंने, लेना होगा। और जी हाँ, फाइनली मिडिल स्टंप उड़ता हुआ, इनसाइड एज लगी है यहाँ पे, और भुवनेश्वर के नाम, फाइनली विकेट आया है, और बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि मैच अब इंडिया के हाथ से निकल रहा था, बहुत ही सही वक्त पे आया है, और हाथ से निकले उससे पहले आ चुके, और अब होगा रन चेज की शुरुआत। 88 रन बनाए हैं, ये हमारा हाईएस्ट स्कोर है इस किसी भी इनिंग का पर्टिकुलर देखा जाए, 53 और 35, और अंत में विकेट जो लिया है वो लिया तो हमारे भुवनेश्वर ने, के एल राहुल आते हुए की निगाह इनके ऊपर है, पहली गेंद डॉट के लिए यहाँ पे। ग्लेन मैक्सवेल दुखी दिखते हुए, सवाल है कितना रिस्क लेने के मूड में है आज। पहला शॉट जा तो रहा है गैप में, पूरी तय कर ली है, लेकिन बाउंड्री नहीं रुक मिल पाई है, वाह कुछ
पिछली इनिंग पे आप देखिए, फील्डिंग सेटअप का कोई ठिकाना नहीं था, बैटिंग का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इस बार छा गए। शिखर धवन से बहुत उम्मीद है यहाँ पर। बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ पर ये है कि विकेट एक, अरे नहीं, कैच ड्रॉप होना चाहिए इस बार, लेकिन कोई गलती नहीं की है, ड्रॉप नहीं हुआ है, कैच आउट हुए हैं। शिखर धवन अपने खराब फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो पे आउट हुए हैं और एक बहुत बड़ी हार। इंडिया सबसे आखिर में चला जाएगा, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था, आपको याद हो पिछले टूर्नामेंट में पहले मैच में इतनी बुरी तरीके से हारा था कि इसके बाद वापसी नहीं कर पाया था, और बेल स्टेन हीरो रहे हैं। मैंने तो मैच कौन बनेगा वो देखना होगा अभी के लिए, तो क्या दिखाए हैं मार्कस स्टॉइनिस मैन ऑफ द मैच बने, दोनों इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर बनाए, दोनों में नॉट आउट रहे हैं। शिखर धवन पिछले मैच अच्छा खेले लेकिन इस मैच में कमाल नहीं कर पाए, शायद इंडियन फील्डर्स जो है, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए पहले रनों की छोटी सी लीड को, वो समझ गए कि मैच विनिंग होगी, लेकिन दूसरी इनिंग में सारे सपने तोड़ दिए यहाँ पे। और यही मैंने कहा था कि ये नया टूर्नामेंट है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कैसे खेला जाए। वक्त हो चुका है देखने का, हालात यहाँ पे दो मैच हो चुके हैं, दो मैच आज हमने खेले गेम प्ले में, कल के दिन और परसों, कल के दिन के वीडियो में इंग्लैंड ढाका और एसेक्स का कॉमिला वॉरियर्स आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, डिपेंड करता है कितने मैच होंगे, डिपेंड करता है कितना बड़ा मैच बना है उसके ऊपर आएगा, लेकिन आएगा हाईलाइट फॉर्म में ही। और अगर टेबल की बात करें तो मेलबर्न और सिडनी सिक्सर्स आ गए हैं टॉप पे, और बाकी के चेंजेस जो होंगे वो पता चलेंगे कल के दिन, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा उस हिसाब से। और रनों की बात करते हैं तो मार्कस स्टॉन इस टॉप पे, बेन डंग उनके ठीक नीचे, शिखर धवन थ्री टॉप फोर, थ्री में केएल राहुल नंबर फोर, फाइव पे डेनली है। और आज का गेम प्ले, हमारा नया गेम प्ले फॉर्मेट, नया गेम प्ले टूर्नामेंट कह सकते हैं, सीरीज जस्ट शुरू हुआ है, होप आप लोगों को पसंद आए, और आप लोगों को कैसा लगा वो आप जरूर बताना। आप हाँ, और मेन सवाल, आप किन चार टीमों को देखना चाहते हैं, मैं आपको एक बार टीम दिखा देता हूँ कौन कौन सी है, 16 टीमें, और आपको खाली ऐसे मन में करना है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं 16 टीमों को। देख सकते हैं आप, 11 टीमें तो आपके सामने हैं और बाकी की 5 टीमें आपके नीचे आ जानी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेटा, अमेजॉन वॉरियर्स, ट्राइडेंट्स, कॉमिला वॉरियर्स और ढाका डायनामाइट्स। तो चलिए लेते हैं अभी के लिए इस वीडियो में आपसे विदा, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।